हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। चलिए, लास्ट लेक्चर में देखा था कि सप्लाई चेन क्या होता है, और आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज़ सप्लाई चेन। और आज उसी सीरीज में हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप उसी सप्लाई चेन से रिलेटेड ही आपका टॉपिक है पोर्टल्स, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, पोर्टल्स वैल्यू चेन मॉडल। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए वैल्यू चेन को सबसे पहले हमें समझना है। यहाँ पे क्या समझना है, वैल्यू चेन। तो वैल्यू चेन का मतलब देखिए, यहाँ वैल्यू का मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू से, ठीक है, जो प्रोडक्ट आप तक आ रहा है उसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज कर रही है, उसके उस वैल्यू को बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट की वैल्यू या उस वैल्यू को बनाने के लिए कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि हमने सप्लाई चेन में देखा था। तो उसी को माइकल पोर्टर ने क्या किया हुआ है, एक अपने तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आइए उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे क्या करते हैं, समझते हैं। इससे पहले यहाँ पे बात करी गई है वैल्यू चेन की। जैसे यहाँ दिया गया है कि वैल्यू चेन इज अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड बाय अ कंपनी टू क्रिएट वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर, ठीक है। अपने कस्टमर के प्रति, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए कोई कंपनी जो जो एक्टिविटीज करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू चेन मॉडल या वैल्यू चेन। आप सभी को पता है, आप सप्लाई चेन की बात करें, याद करें, सप्लायर क्या सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल्स। किसी कंपनी को क्या सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल्स कंपनी के पास आता है तो कंपनी वहाँ पे क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। जिस भी प्रोडक्ट का करना होता है मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर को सौंपती है, वहाँ से मतलब होलसेलर्स क्या होते हैं, लेके आते हैं रिटेलर के पास। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अच्छी क्वालिटी का उसको क्या करना है, पहली बात तो रॉ मटेरियल्स लेना है। ऐसा नहीं, मैंने एग्जाम्पल लिया बिस्किट का। अब आपके पास कोई बिस्किट है, अब उसका मान लो कि व्हीट से बनता है, गेहूं से बनता है आपका बिस्किट, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब गेहूं ही खराब हो, रॉ मटेरियल ही खराब हो, तो आपका कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं हो सकता। तो अगर अच्छा कोई चीज़ नहीं होगी, वैल्यू कैसे आगे बढ़ेगी, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, रॉ मटेरियल्स लेके आपको ऐसे से टेक्नोलॉजी, ऐसे सिस्टम्स यूज करने हैं कि आपका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहे, अपग्रेड रहे, ठीक है। और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन एडवर्टीजमेंट इस तरीके से करना है कि आपकी क्वालिटी, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों क्वालिटी क्या हो, मेंटेन हो, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कस्टमर के प्रति इंक्रीज रहे हमेशा, ठीक है। मतलब डिमांडेड रहे आपका प्रोडक्ट, अपग्रेड रहे, ये यहाँ पे बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, और कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं ये आपने देखा ही था, कहाँ, सप्लाई चेन मॉडल में। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो सप्लाई चेन का, पहले आप सप्लाई चेन को देखिए, फिर इसको क्या करिए, कंटिन्यू करिए, देखिएगा। जैसे नेक्स्ट मैंने यहाँ बोला वैल्यू क्रिएशन क्रिएट्स, वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है, क्रिएट्स एडेड वैल्यू विच लीड्स टू कंपिटेटिव एडवांटेज, ठीक है। अल्टीमेटली एडेड वैल्यू आल्सो क्रिएट्स अ हायर प्रॉफिटेबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका मतलब देखिए होता है कि वैल्यू क्रिएशन का मतलब होता है यार, आपका जो प्रोडक्ट उसमें आपकी वैल्यू ऐड हो जाती है, नहीं होता यार ये प्रोडक्ट इसका कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ना, उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है, और वो वैल्यू आपका कंपिटेटिव एडवांटेज हो सकता है। तो ये कंपिटेटिव एडवांटेज का मतलब होता है वो ऐसी खास बात, वो बस इतना समझना अभी के लिए, इतना समझना, आगे टॉपिक में पढ़ाऊंगा कंपिटेटिव एडवांटेज। कंपिटेटिव एडवांटेज का मतलब होता है वो ऐसी खास बात जो आपको दूसरों से अलग करती हो। आप में वो क्या चीज़ है, आप में वो क्या क्वालिटी, आप में वो क्या बेस्ट है जो आपको मार्केट में दूसरों से अलग रखती हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंपिटेटिव एडवांटेज। मतलब आपको कंपटीशन में खड़ा करती है, आप दूसरे से, जैसे ऐसे आप सोच लो, आपको आपकी शॉप रिटेल शॉप है, आपकी रिटेल शॉप ऐसी लोकेशन पे है कि मतलब वहाँ पे कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं, तो आपका लोकेशन कंपटेटिव एडवांटेज हो गया, ठीक है। आपकी कोई कंपनी, उसमें बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत हार्डवर्किंग लोग हैं, तो वो जो हार्डवर्किंग लोग हैं ना, पर्सन हैं, एम्प्लाइज हैं, वो आपकी कंपनी के लिए कंपटेटिव एडवांटेज होगी। वो ऐसा कहीं और नहीं है, किसी और कंपनी में नहीं है। तो कंपटेटिव एडवांटेज का मतलब होता है वो वैल्यू, वो खास बात जो आपको अदर कंपनी से, ठीक है, मार्केट में खड़ा अलग रखे, ठीक है, वही क्या होता है कंपटेटिव एडवांटेज। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके पास एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट है, आप रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हो, होम डिलीवरी करना शुरू कर दिए, और कोई कंपनी नहीं कर रही, तो होम डिलीवरी आपका क्या है, कंपटेटिव एडवांटेज है, उसी की वजह से आप मार्केट में क्या है, अलग तरीके से छाए हुए हैं। तो समझ गया ना बात को, कंपटेटिव एडवांटेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो वही बोला गया है कि ये जो वैल्यूज होती है ना, वो आपके कंपटेटिव एडवांटेज को इंक्रीज करती है, लीड्स करती है। इसका मतलब है कि लोग उसी वैल्यू, आपके अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, वैल्यू अच्छी होगी, तो उसी के बेस पर लोग उसे खरीदना पसंद करेंगे, ठीक है। अभी मैं नॉर्मली देखता हूँ यार, आसपास शॉप पे देखता हूँ, मुझे अगर किसी को क्या लेना होता है, ऑयल लेना होता है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल लेना होता है, यार लगता है यार फॉर्च्यून का देना, किसी और कंपनी का उनको दिमाग में है ना यार, फॉर्च्यून की आपका जो ऑयल है वो अच्छा होता है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ी हुई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू का मतलब यहाँ पे ये होता है। आई होप कि वो क्लियर होगा। ये तो था नॉर्मल, मैं बात कर रहा था, पोर्टर्स ने अपने तरीके से क्या समझाया हुआ है आपको, उसकी बात करते हैं। तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिएगा, ये क्या आपके पास एक स्ट्रक्चर,
लिखा यहाँ पे पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल, यही पूरा स्ट्रक्चर। पोर्टर ने क्या किया हुआ है कि आपकी वैल्यू चेन को टोटल दो एक्टिविटी में डिवाइड किया गया है। कितने एक्टिविटी में? टू एक्टिविटी में। पहली एक्टिविटी का नाम यहाँ पे क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी, ध्यान रखना ये है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। अब प्राइमरी एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स सर्विसेज। अभी आपको ये लग रहा होगा यार ये सब इतने टेक्निकल वर्ड्स हैं, बट कहीं ना कहीं जो आपने सप्लाई चेन पढ़ा था उन्हीं सारी बातों को यहाँ पे लिखे हैं माइकल पोर्टर जी ने, ठीक है। अपने तरीके से उन्होंने बताया हुआ है कि ये चीज़ें हैं, ये एक्टिविटी करनी पड़ती हैं वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ठीक है। किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए ये वर्क करना पड़ता है। तो पहली एक्टिविटी क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी, नाम याद रखना। पांच चीज़ें इन्होंने यहाँ पे क्या फोकस करी है? इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज। इसके बाद जो सपोर्ट एक्टिविटी है, मतलब इसका मतलब आपके पास क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, ठीक है, और प्रोक्यूरमेंट है, ठीक। ये सब क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ पे इनका किस तरीके से यूज होता है, क्यों इन्होंने रखा हुआ है, इन सब पे हम लोग एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पे करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज की, ठीक है। तो अभी आप समझ लेंगे तो खुद ही आपको समझ आएगा पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। हो सकता है अभी आपको न्यू लग रहा हो, कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा हो, बट अगर आप लोग सप्लाई चेन समझे हुए हैं तो मैं सप्लाई चेन के पॉइंट से ही इसको समझाना चाह रहा हूँ, जो माइकल पोर्टर ने क्या किया, अपने वैल्यू चेन मॉडल को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। चलिए देखिएगा, जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? सप्लायर होता है, आप सभी को पता है यहाँ पे क्या होता है? सप्लायर होता है, ध्यान देना, ये सप्लायर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपका जो भी रॉ मटेरियल्स होता है, ये क्या आपके पास? रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स है। इसके बाद यहाँ से आपका रॉ मटेरियल्स, मैं ट्रांसपोर्टेशन मान ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, जो भी है आपका ये ट्रांसपोर्टेशन है। यहाँ से आपका डाटा जा रहा है, ये आपकी कंपनी है, ये आपकी कंपनी है, ठीक है। आपकी कंपनी में यहाँ पे गोडाउन हो सकता है, मैंने माल यहाँ पे क्या है? गोडाउन है आपका, हो सकता है, ठीक है, ये गोडाउन हो सकता है। और ये आपकी कंपनी, तो मैन्युफैक्चरिंग होती होगी यहाँ पे, तो क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ये क्या हो गया? आपकी कंपनी हो गई, ठीक है, इसको मैंने मान लिया कंपनी है। चलिए यहाँ पे ये फैक्ट्री है आपकी, ठीक है, ये कंपनी है। इसके बाद यहाँ मतलब प्रोडक्ट क्या होता है? मैन्युफैक्चर होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे सबसे पहला काम क्या होता है? आपका जो रॉ मटेरियल्स है वो किसके पास आता है? कंपनी के पास आता है, गोडाउन में रखा जाता है। ये बाउंड्री है, आपकी बाउंड्री है, आपकी कंपनी है, ये क्या है? बाउंड्री है, ठीक है। अब ध्यान रखिए एक चीज़ का, अभी आप क्या जो पूरा का पूरा वर्क होता है माइकल पोर्टर ने उसको अपनी इन दोनों एक्टिविटी में क्या किया? डिवाइड किया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे, तो आपका जो रॉ मटेरियल्स की पूरी कहानी, जो सप्लायर की पूरी कहानी है, उन्होंने बोला इसको इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। उन्होंने क्या बोला? पहला पॉइंट क्या था वहाँ प्राइमरी एक्टिविटी में? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स उन्होंने क्या बोला कि आपका जो रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल का पूरा मैनेजमेंट, मतलब सप्लायर से पूरी की पूरी पूरा पूरा यहाँ पे वर्क, जैसे मैंने बोला आपसे, यहाँ से यहाँ तक जो प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, बाउंड्री में इंटर कर रहा है, इसका मतलब है, इसको हम बोलते हैं इन बाउंड्री लॉजिस्टिक्स। देखिए लॉजिस्टिक्स हो सकता है आपके लिए न्यू वर्ड हो, लॉजिस्टिक्स मतलब होता है मूवमेंट एंड स्टोरेज। क्या होता है? मूवमेंट एंड स्टोरेज, मतलब कोई चीज कहीं से मूव होके आ रही है, कहीं से आ रही है और कहीं पे स्टोर हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ना, बोलते हैं ना यार कहीं पे लेके लॉजिस्टिक्स से बात कराओ, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ कहीं से आ रही हो, कहीं पे रखी जा रही है, गोडाउन वगैरह में रखी जा रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। इन बाउंड्री का मतलब, अब आप बाउंड्री में क्या कर रहे हो? इन कर रहे हो, ये आपकी बाउंड्री, आपकी कंपनी की बाउंड्री है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा रॉ मटेरियल्स जब तक आपकी कंपनी में आता है, यहाँ तक के जो भी सिस्टम्स होते हैं, जो आपके क्या होते हैं टर्म्स होते हैं, जो आप यूज करते हो, वो बोल उन्होंने एक रख दिया कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, इन बाउंड्री लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो वही वहाँ पे लिखा गया इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, पहला आपका यही होगा, ये मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, पहला यहाँ पे क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो इनबाउंड है यहाँ पे, इनबाउंड्री नहीं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इसके बाद यहाँ पे होता है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग जब हो रही है, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब मशीनरी यहाँ पे है, जो मशीनरी है, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखा जाए तो किसके अंदर आएंगी? ऑपरेशन के अंदर। दूसरा क्या था आपका? ऑपरेशन था। तो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पे, उसमें बहुत सारे क्या होंगे?
ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, मशीनरी वर्क होंगे, ठीक, बहुत सारे ऑपरेशंस होंगे। तो ये इन्होंने बोला कि सबसे पहले क्या करना है आपको, ये टर्म इंट्रोड्यूस होगा, इसके बाद ऑपरेशंस होते हैं। तो वही बात है, बस इन्होंने क्या किया, अपने तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके बाद बात आती है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की। आउटबाउंड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है, इसके बाद क्या होता है, एक आपके पास ऐसा गोडाउन होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का मान लो अपना यहाँ पे जो बोलते हुए, एक ऐसा गोडाउन यहाँ पे होगा जहाँ पे आपका प्रोडक्ट ले जाके रखा जा रहा होगा, गोडाउन में जो बन रहा होगा यहाँ पे। तो ये आपका टर्म हो गया, देखा जाए तो क्या हो गया यहाँ पे, आउटबाउंड। आउट मतलब अब बाउंड्री से आप बाहर जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आउटबाउंड, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स, ठीक है। इसका मतलब फिर देखिए क्या हो रहा है, मूवमेंट एंड स्टोरेज, मूवमेंट एंड स्टोरेज हो रहा है, नहीं यहाँ से मूव हो रहा है यहाँ पे आके स्टोर हो रहा है। तो लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, मूवमेंट एंड स्टोरेज। जब भी आप मूवमेंट और स्टोर कर रहे हो उसको आप एक टर्म में बोल सकते हो लॉजिस्टिक्स। लेकिन आउटबाउंड मतलब बाउंड्री से आप कहाँ जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, ठीक है। ये आपका बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर है या गोडाउन है, ये गोडाउन ही मान लो जहाँ पे चीज़ों को रखी जा रही है, गोडाउन, ठीक है। इसके बाद यहीं के बगल में मान लेते हैं, कहीं भी मान लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा आपका, एक शोरूम होगा, ठीक, क्या होगा, ये शोरूम है, ये शोरूम है। अब शोरूम में क्या हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें रखी जा रही हैं, ठीक है, मतलब मार्केटिंग, और मार्केटिंग करना हो, कहने का मतलब वो मार्केटिंग कर, आगे था ना टर्म, यहाँ पे याद होगा आपको, आगे टर्म था ये, देखिए क्या था, आउटबाउंड के बाद मार्केटिंग एंड सेल्स। तो मार्केटिंग एंड सेल्स यहाँ पे होगा, तो यहीं से आपकी क्या होगी, मार्केटिंग होगी और क्या होगा, सेल्स होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, मार्केटिंग एंड सेल्स का सिस्टम हो गया। देखिए कहीं नहीं, वही तो हो रहा है यार, रॉ मटेरियल से आया प्रोडक्ट कंपनी में, कंपनी से क्या और प्रोड्यूस हुआ डिस्ट्रीब्यूटर के पास, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर होता है। इसके बाद आपका एडवर्टीजमेंट वगैरह होता है, यही मैंने बताया था यहाँ पे। इसके बाद आता है आपका कहाँ पे, ये यहाँ पे प्रोडक्ट किसके पास जाता है, कस्टमर के पास जाता है, ये रहा आपका कस्टमर, ठीक, ये कौन है आपका कस्टमर। अब कस्टमर क्या करता है, प्रोडक्ट को यूज करता है, क्या करता है, प्रोडक्ट को यूज करता है, और यूज करने के बाद खराब भी होता है कुछ प्रोडक्ट, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो वही बोला गया था ना आप यहाँ पे आफ्टर सेल, मतलब मैंने आपको ट्रेड साइकिल में बताया था कि एक आपके पास और आप ट्रेड साइकिल में क्या पॉइंट होता है, आफ्टर सेल के बाद में मेंटेनेंस का, ठीक है। तो इसका मतलब है आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल एंड सर्विस, मतलब आप अगर प्रोडक्ट यूज करने के बाद कोई प्रॉब्लम्स में आती है, रिपेयरिंग वगैरह से लेके कोई प्रॉब्लम मेंटेनेंस तक, इस किस में आ जाएगा, सर्विस में आ जाएगा। तो वही बोला गया था लास्ट में, देखिए प्राइमरी आपका कंप्लीट हो गया, पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक समझ गए, ऑपरेशन समझ गए, आउटबाउंड लॉजिस्टिक समझ गए, मार्केटिंग एंड सेल्स समझ गए, सर्विस कंप्लीट हो गया। ये है आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज। आई होप कि यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी होंगी, कि अब देखिए सबका काम क्या है, हर यहाँ पे पॉइंट का, हर एक्टिविटी, हर पॉइंट का काम यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऐड करना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, सप्लायर सही तरीके से आपका रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा, तो वैल्यू कम हो जाएगी किसकी, आपके प्रोडक्ट की। अगर यहाँ पे बनाने में कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, बनाने में कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे मैंने बिस्किट की बात में कर रहा हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिया था बिस्किट का, मैंने बताया अगर यहाँ पे जिससे बिस्किट बनता है अगर वो रॉ मटेरियल गड़बड़ हो गया तो भी बिस्किट खराब हो जाएगा। अगर बनाने में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, जैसे वहाँ पे आई थिंक हीट की मैं बात कर रहा हूँ, हमने ज़्यादा हीट दे दी, कम हीट दे दी, उसके बाद भी उस पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद अगर आपने मार्केटिंग सही तरीके से नहीं की, ठीक है, जैसे एक होता है ना आपको जो चीज़ें होती है उसके बारे में बताना होता है, रियल में चीज़ें क्या हैं, अभी आपको ये अच्छी सी चीज़ हो, अच्छी चीज़ उसको आप सही तरीके से रिप्रेजेंट ना कर पाओ तो भी वो उतनी बेटर चीज़ नहीं होती। मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी थिंग्स है, अगर उसको आपको रिप्रेजेंट सही तरीके से उनके सारी प्रॉपर्टी कर ले गए, तब वो बोला जाता है हाँ यार अच्छी चीज़ हो सकती है। कस्टमर यूज करेगा तो यूज कर रहा है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ओवरऑल मतलब है कि हर पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपको क्या हो गई, वैल्यू चेन मॉडल। किसका वैल्यू चेन मॉडल आपका, ये पोर्टर का। किस फॉर्म में आप बोलोगे, जब आप इस फॉर्म में बोलोगे कि पहले हम लोग क्या करने हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर क्या है ऑपरेशंस, फिर क्या है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर क्या है मार्केटिंग एंड सेल्स, फिर क्या है सर्विस। अगर आप इस टर्म में आप बोलते हैं तो बोलेंगे आप उसी सेम चीज़ को किसके थ्रू बोल रहे हैं, किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइकल पोर्टर। तो माइकल पोर्टर था उनका नाम पूरा, क्या था, माइकल पोर्टर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं सपोर्ट एक्टिविटी की। आपने देखा था सेकंड पॉइंट में क्या था आपका, ये देख रहे हो ना आप, क्या था, सपोर्ट एक्टिविटी। ये सपोर्ट एक्टिविटी, इसका मतलब है ये सारी की सारी एक्टिविटी सपोर्ट कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होगा, वो कंपनी बनी होगी ना, ठीक है, कंपनी मतलब बनी होगी, वहाँ पे आपके पास ट्रक, ट्रक्स होंगे, बिना ट्रक का तो जाइए थे, मतलब आपने देखा दो जगह देखा था आपने, यहाँ पे ट्रक है, यहाँ पे ट्रक से ही तो जा रहा होगा, या आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा यहाँ पे, बिना ट्रांसपोर्टेशन का आगे बढ़ सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब है यहाँ भी आपको ले जाने की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो आप बना रहे हो ना,
आप खुद ही बताओ, जब तक आप कोई वर्क करोगे बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लाइट ना हो, बिल्डिंग ना हो, ये सिस्टम ना हो पढ़ाने का मेरे पास, तो मैं पढ़ा पाऊंगा नहीं। पहले मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, ठीक है। तो कंपनी के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये हो गया ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। अगर मैन पावर नहीं होगी तो कोई फैक्ट्री कंपनी चल पाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। उसको मैनेज करना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी तो है, आप नई, मैंने बताया ना, आपकी वैल्यू को ऐड करने के लिए जो जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, आप सबका क्या करेंगे वहाँ पे यूज करेंगे। जो भी टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, अपडेट हो रही है, आप उसके हिसाब से क्या करेंगे, अपने वर्क को करेंगे। देखिए, प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है कि जो सप्लायर के साथ डील करना, सप्लायर के साथ डील करना। देखिए, हर कंपनी का एक प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट होता है। जो प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट होता है वो ये डील करता है कि यार सप्लायर से डायरेक्ट की डीलिंग किससे होती है, सप्लायर से होती है। मतलब उस कंपनी को जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उससे उसके साथ उसको डील करना होता है। डील का मतलब यहाँ पे यार अच्छे रॉ मटेरियल होने चाहिए, कम प्राइस मिल जाए, ठीक है, जिससे हमारा क्या आगे फायदा हो, और साथ ही साथ मतलब कि किस तरीके से हम सप्लायर्स को मैनेज करें। हो सकता है दो चार सप्लायर हों, कई सारे हमको टारगेट कर रहे हों, ठीक है, तो किस सप्लायर से हमको क्या करना है, प्रोडक्ट लेना चाहिए किससे नहीं लेना चाहिए। मतलब इस तरह का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोक्यूरमेंट बोलते हैं। आई होप कि ये चीज़ें एक कंपनी के लिए आप समझ चुके होंगे क्या होता है यहाँ पे, क्लियर है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब देखिए स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि यार ये सपोर्ट एक्टिविटी पहले है और ये कौन सी एक्टिविटी है, प्राइमरी बाद में है, बनाने से आपको लग रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पोर्टर साहब ने कुछ गलत किया, पहले इसको करना चाहिए। उनके दिमाग में कुछ जरूर आया होगा यार हमको कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी रखनी चाहिए। तो आप खुद ही बताइए पहले क्या बनेगा, पहले ये काम होगा क्या? पहले ये काम नहीं होगा। पहले प्राइमरी एक्टिविटी है, इसके सारा प्रोडक्ट इसी के बेस पर तैयार हो रहा है, कस्टमर तक तो पहुंच रहा है, लेकिन सबसे पहले ये काम करना होगा आपको। आपको क्या करना होगा, फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, ठीक है। आपको ट्रक्स लेने होंगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना होगा अपना, मतलब वहाँ पे इंप्लॉई रखने पड़ेंगे, मैन पावर रखनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी पूरा इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट बनेगा आपका सप्लायर को मैनेज करने के लिए, ये काम पहले होगा, तब जाकर ये शुरू होगा। अभी बताइए जब तक ये नहीं होगा तब तक आप शुरू कर पाओगे? मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाने का मेरा प्राइमरी का मतलब क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। जब तक मेरे पास बिल्डिंग नहीं होगी यहाँ पे, आपका बोर्ड नहीं होगा, ये इन्वायरमेंट नहीं होगा, तब तक मैं आपको अब तक नॉलेज डिलीवर नहीं कर सकता। तो ये जो प्राइमरी एक्टिविटी ये सब तो होंगी, लेकिन इन सब के बनने के बाद होंगी। इस वजह से इसको पहले रखा गया है, इसको बाद में रखा गया है। आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा। आप लिख भी सकते हैं सही तरीके से क्या होता है पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल, क्लियर है। चलिए देखिएगा, अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, तो सेम उसी चीज़ को मैं लिखवा भी देता हूँ आपको, ठीक है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, आप सही तरीके से एग्जाम में भी क्या करें, चीज़ों को रिप्रेजेंट करके आएँ। तो देखिएगा, जैसे थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करवाऊंगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल में बोला गया, पोर्टर वैल्यू चेन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज, नेमली प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्ट एक्टिविटीज, क्लियर है। दो यहाँ पे क्या एक्टिविटीज हैं, एक प्राइमरी और एक क्या है सपोर्ट एक्टिविटी। सेकंड आपका है यहाँ पे, प्राइमरी एक्टिविटी हैव एन इमीडिएट इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन मेंटेनेंस सेल एंड सपोर्ट, मतलब ये जो काम होते हैं प्रोडक्शन के, मेंटेनेंस के, सेल सपोर्ट सर्विस, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं आपके प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। दीज एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो वही मैंने पांचों यहाँ पे लिखा दिया हूँ आपको। पहला क्या है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, अब ध्यान से सुनना, वो तो मैंने सिंपल वर्ड बता दिया था, रॉ मटेरियल का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो कहाँ, वो किसके अंदर आता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है। देखिए, दीज आर ऑल प्रोसेस दैट आर इन्वॉल्व इन द रिसीविंग स्टोरिंग एंड इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल, समझ गए? इसका मतलब है इतना ही आप लिख सकते हो कि यार रॉ मटेरियल को रिसीव करना, स्टोर करना, ठीक है, और जैसे गोडाउन तक आते, मैं बनाया था ना आपको स्ट्रक्चर में, गोडाउन तक आते आते वो आपका क्या था, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स था आप प्रोडक्ट। द रिलेशनशिप विद द सप्लायर इज इसेंशियल टू द क्रिएशन ऑफ वैल्यू इन द इन दिस मैटर, बोला गया है कि मतलब आपसे सप्लायर से रिलेशन बना के रखना पड़ता है, ठीक है, कि वो अच्छा हमें क्या करे, रॉ मटेरियल सप्लाई करे, जिसके थ्रू तो हमारी वैल्यू क्या हो, इंक्रीज हो मार्केट में, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो, इंक्रीज हो, क्लियर। दूसरा देखिएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या था, ऑपरेशन एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू फाइनल आउट प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपका जो रॉ मटेरियल है वो फाइनल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक, उसका पूरा का पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, जो अंदर का कितनी मशीनरी लग रही है, क्या असेंबलिंग कर रहे हैं, क्या पैकेजिंग कर रहे हैं, वही बोला गया, लाइक मशीनिंग, ठीक है, कौन कैसे आपका अंदर अंदर वर्क हो रहा है, असेंबलिंग कैसे आप असेंबल कर रहे हो, अगर कोई प्रोडक्ट है असेंबल करने लायक तो कैसे पैकेट बना रहे हो वहाँ पे, ठीक, वो सारा जो काम होता है वो किसके अंदर आता है, ऑपरेशन के, ये सब फैक्ट्री में होता है, सारा काम आपकी कंपनी में हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको पता क्या है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, इसका मतलब है जब आपका पैकेट पूरा क्या बन चुका है, ठीक है, उसके बाद उसको फिनिश्ड गुड को कहीं लेके जा रहे हो, कस्टमर के लिए आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है, वो बोला गया था आपको। दीज इंक्लूड एक्टिविटीज विच आर एसोसिएटेड विथ कलेक्शन,
मतलब बनने के बाद स्टोरेज एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड, ठीक है, जो गुड आप जो सामान आपका बन चुका है, तैयार हो चुका है कस्टमर के लिए, अब उसको जो आप बाहर लेके जा रहे हो कंपनी से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे किसके अंदर रखते हैं, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर। फिर यही है मूवमेंट एंड स्टोरेज। तो लॉजिस्टिक्स का मतलब समझना मूवमेंट एंड स्टोरेज, कहीं बात होगी उसका मतलब क्या है लॉजिस्टिक्स है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग एंड सेल्स। उसके बाद आपको पता है कि अगर प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी वहाँ पे, एडवर्टीजमेंट करना है, मार्केटिंग करनी है, ठीक है, सेल करना है उसको। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज सच एज एडवर्टाइजिंग, क्लियर, सेल्स प्रमोशंस, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, चैनल सिलेक्शन, चैनल रिलेशन एंड प्राइसिंग, मतलब ये सारे वर्क करना, ठीक है, सेलिंग से रिलेटेड और एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड अपना वर्क करना है यहाँ पे। उसके बाद इसके बाद सर्विस लास्ट में आ जाता है, दीज आर एक्टिविटी एम टू प्रोवाइड सर्विस टू एनहेंस टू और मेंटेन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, क्लियर, सही बात है। अगर इसे आपने क्या लिया, कोई समझ नहीं, लैपटॉप लिया मैंने, अब लैपटॉप लिया यहाँ पे तो मार्केट में एक वैल्यू थी ना, अभी आई थिंक अभी 3-4 साल पहले बहुत वैल्यू थी, क्योंकि डेल की, या डेल का कोई सामान ले लो आपको उसका क्या है फिजिकल डैमेज से लेकर हर चीज़ की क्या है वारंटी है, गारंटी है। इसका मतलब है अब यहाँ पे जैसे ही आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती थी, वहाँ से कोई ना कोई बंदा आता था कंपनी से, डेल कंपनी से, आपके सिस्टम सही करके चला जाता, तो आप बताइए इसकी वैल्यू बढ़ी कि नहीं, डेल कंपनी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो वही बोला गया इंस्टॉलेशन रिपेयर ट्रेनिंग सप्लाई पार्ट्स, मतलब किसी भी टाइप कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो उस प्रॉब्लम को क्या सॉल्व कर दिया जाएगा, आफ्टर सेल भी करा जा सके, तो ये क्या हो जाएगा आपका सर्विस। तो इन सब चीज़ों से आपकी क्या होती है कंपनी, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज करती है, बढ़ती है। सपोर्ट एक्टिविटी क्या है अब आपका, सपोर्ट एक्टिविटी, अब सपोर्ट एक्टिविटी में आप देख लो प्रोक्यूरमेंट, पहले मैंने इसी को बात कर ली यहाँ पे, ठीक है, आप चाहो तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से बात कर सकते हो, मैंने प्रोक्यूरमेंट की बात कर ली। जैसे यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट एक्टिविटीज विच इंक्लूड परचेज ऑफ मटेरियल्स एंड सर्विसेज इनपुट इक्विपमेंट एंड मशीनरी, मतलब इसका मतलब मैंने बताया ना डीलिंग करना किससे, प्रोक्यूरमेंट का मतलब किससे, डीलिंग करना किस सप्लायर से, अब रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितनी डीलिंग आप कर रहे हो, ठीक है, जितनी चीज़ें परचेज कर रहे हो, ठीक है, अब ध्यान देना प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि कंपनी के लिए जितनी चीज़ें परचेज हो रही हैं, ठीक है, वो सब चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करना, मतलब रॉ मटेरियल्स आ रहा है तो कैसे आना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए, कोई हम मशीन खरीद रहे हैं, कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, कंपनी से मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, कोई भी इनपुट ले रहे हैं, किसी भी टाइप के इनपुट ले रहे हैं, बाहर से कुछ मंगवा, इक्विपमेंट मंगा रहे हैं, कुछ भी मंगा रहे हैं, तो उसका एक बोर्ड सब लेखा जोखा रखने का जो काम होता है वो किसका होता है, प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट का होता है, ठीक है। तो ये तो आपका होना चाहिए, इसके बिना आपका अपनी कंपनी का वर्क नहीं होगा, हर कंपनी में ये होता है प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। दूसरा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, अब देखिए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स इन प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायर्स एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड और परफेक्शन एंड अपग्रेडेशन। देखिए बोला जा रहा है टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होनी चाहिए आपके ना, जैसे प्रोडक्ट की डिजाइनिंग है, आजकल प्रोडक्ट जिस तरीके से बन रहे हैं, अब ओल्ड मॉडल हो कोई, अगर न्यू मॉडल आप नए तरीके से करो, उसको डिजाइन करो, मैन्युफैक्चर प्रोसेस को अपना क्या करो चेंज करो, आपका मतलब वैल्यू बढ़ानी है तो सिंपल सी बात है जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना उसको आपको डेवलप करना होगा और यूज करना होगा, जिसके थ्रू आपका प्रोडक्ट क्या परफेक्ट हो और अपग्रेडेड हो ना, कोई ओल्ड सिस्टम पे बेस्ड ना हो। हाँ बेटर है तो उसके हिसाब से भी आप लोग क्या बना, लेकिन जैसे अगर कोई अपग्रेडेशन आता है या फिर बोल सकते हैं आप कोई टेक्नोलॉजिकल सिस्टम या कुछ न्यू डिजाइन आती है तो उसके हिसाब से भी क्या करेंगे लेके चलेंगे, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे डेवलप करेंगे, ठीक है। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर इन्वॉल्व ईच, कहने मतलब ये हुआ कि वैल्यू चेन में सिंपल सी बात है इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, किसका, ह्यूमन पावर का, ठीक है, मैन पावर्स का, सही समय पे मैंने बताया था सही समय पे प्रोडक्ट को क्या अवेलेबल कराना, अब तभी हो पाएगा जब आपको मैन पावर्स होगी, ठीक है, सही तरीके से लोग कंपनी में काम करेंगे, बना पाएंगे प्रोडक्ट को सही समय से तभी आपके पास तक वो पहुंच पाएगा, तो ये भी बहुत बड़ा रोल है किसका, HRM का। और एक लास्ट फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अब फर्म का मतलब ये हो गया, अब मैंने बता दिया पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, दिस कंसर्न द सपोर्ट एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, दैट इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन डेली ऑपरेशंस, मतलब जो डेली ऑपरेशन कैसे मैनेज करना, जैसे मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, देखिए कि अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जैसे देखिए ISES है या कोई भी कॉलेज आपके पास, ठीक है, ISES है, अब ISES में बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है टीचर्स हैं देखा जाए तो इसके बाद, लेकिन मतलब मैनेजमेंट लगा हुआ मैनेज कर रहा है चीज़ों को सही तरीके से, ढेर सारे जैसे होता है ना क्लर्क लगे हुए हैं अपने अपने काम करने के लिए, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर लगे होंगे जो कंप्यूटर वगैरह सही करने के लिए, मतलब मेरा कहने मतलब किसी कंपनी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे तभी जाके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन होगा, तभी प्रॉपरली उस कंपनी का वर्क हो पाएगा, ठीक, तो ये आता है, ये भी बनाना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तब भी अगर आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी मतलब सही तरीके से वर्क नहीं हो पाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्या होगा चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी, क्या होता है सपोर्ट एक्टिविटी और क्या होता है प्राइमरी एक्टिविटी और ओवरऑल क्या होता है पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।